हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं निकला हूँ 4 बजे शाम के दिखाने कुछ नहीं, कुछ बातें करनी है, कुछ समझाना है जो मुझे फील हुआ है उसके बारे में। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ बर्फ़ गिरेगी बट यार गिरी नहीं रही है। और आज थोड़ी बहुत हुई थी, इतनी सी दिख रही है, ये बस इतनी सी स्नो है। और पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है, मैं कब से सोच रहा हूँ यार एक ब्लॉग तो ये हो जाएगा, लेकिन क्या करें, देरी के लिए खेद है और प्लीज़ बने रहें आगे के लिए। अगर आप पीछे पड़ सको, मैं चलते चलते आ चुका हूँ टीयू द्रस्थिन की बिल्डिंग के पास। और आज का टॉपिक काइंड ऑफ इसी से रिलेटेड है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो मुझे डिफरेंस लगे जर्मनी में पढ़ने के कंपेयर टू जब मैं इंडिया में पढ़ता था। फाइनली एक पैच ऑफ स्नो जहाँ पे कुछ तो है। बिफोर शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने फॉर कंपैरिजन मैंने अपनी बैचलर्स की थी आईआईटी हैदराबाद से, और उसी के कंपैरिजन में आप बोल सकते हो मैं यहाँ से वन ऑफ द TU9 यूनिवर्सिटी से TU डार्मस्टाट से। तो TU9 बेसिकली 9 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मनी में, एंड या वो बहुत ज़्यादा फेमस है जस्ट लाइक IITs। तो या तो मैं अब शेयर करता हूँ कि मुझे क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ लगी। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इंडिया में बैचलर्स तो मैंने जस्ट IIT JEE क्लियर किया और IIT में ज्वाइन हो गया, बट उसके बाद मैंने की है जॉब एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे करना है मास्टर्स। तो बेसिकली एक वेल थॉट डिसीजन है यहाँ पे आना। तो जो भी मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, तो मेरे जो भी ओपिनियंस है वो इस पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि दिस वन इज़ मोर थॉट, ज़्यादा सोचा समझा डिसीजन है, और वो वाला ज़्यादा सोचा समझा डिसीजन नहीं था। तो एक बड़ा डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे और इंडिया में लगता है वो ये कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है, और स्पेशली जो बैचलर्स डिग्री जो मैंने की थी IIT हैदराबाद से, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड थी। तो आपको ऑब्वियसली कुछ इलेक्टिव कोर्सेज थे जो आपको चूज़ करने पड़ते थे, बट यू नो सेमेस्टर काइंड ऑफ फिक्स्ड रहता है, बट वो मेरे को यहाँ पे नहीं लगा ऐसा है। यहाँ पे जैसे कुछ कोर्सेज हैं जो डेफिनेटली मुझे करने हैं विद इन कुछ सेमेस्टर्स, और उसके बाद कुछ इलेक्टिव कोर्सेज हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे अगर मैं प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ या थीसिस कर रहा हूँ, वो सेमेस्टर पे डिपेंड नहीं करती है। वो मैं सेमेस्टर में कभी भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं सेमेस्टर में कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। इवन लेट्स से अगर मेरा सेमेस्टर सितंबर को ख़त्म हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी थीसिस जो है फाइनल थीसिस वो सितंबर में ख़त्म होगी, वो मई में ख़त्म हो सकती है और फिर मेरा मास्टर थीसिस ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ जर्मनी में और TU9 आई थिंक उनमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बट आप उसको एक प्रॉब्लम भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है डिसाइड करने के लिए, आपको बहुत कुछ के बारे में सोचना पड़ता है। तो कभी कभी मैंने देखा है उससे क्या होता है कि जो 2 साल का कोर्स होता है वो 2 साल में हो नहीं पाता, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपके पास इतना कुछ होगा, आप एक्स्ट्रा कर लोगे, और उसकी वजह से लाइक आप शायद आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आप जो कोर्सेज है आपको 2 सेमेस्टर में करने हो 3 सेमेस्टर में करोगे। तो इन जनरल जो होता है यहाँ पे कि अगर 2 साल का मास्टर्स है तो इन जनरल 2 साल में नहीं हो पाता। एक चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे मैं जर्मनी में एक फॉरेनर हूँ, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। जब मैं इंडिया में था तो मेरे को बेसिकली पढ़ाई करनी थी, मस्ती करनी थी, बस लाइफ जीनी थी, बट यहाँ पे आप बाहर आए हो तो आपको एक दूसरे देश में हो तो आप उस दूसरे देश का कल्चर एक्सपीरियंस करोगे, और उस देश में आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जॉब देखना चाहोगे। तो सब कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होने लगता है। जैसे मैं सिर्फ पढ़ाई यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा, मैं कुछ एक्सपीरियंस गेन करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब करता हूँ, यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप, मैं अभी दूसरी इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो भी होता है फिर वो थोड़ा आप एक्स्ट्रा कॉशियस होते हो मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी चीज़ है प्रोफेशनली, कि आप पे थोड़ा प्रेशर रहता है तो आप ज़्यादा चीज़ें करते हो सीखने के लिए, जो कि इंडिया में कम था मेरे लिए।
तो जैसे आप लोगों को पता है IITs आर इंडियाज मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, जो कि डेफिनेटली ऐसा ही है. उससे ज़्यादा मुझे एक चीज़ लगी कि एटलीस्ट IIT में एक हॉस्टल था हमारा, प्रॉपर हॉस्टल में हम लोग रहते थे, तो उससे जो दोस्ती यारी होती है ना वो अलग टाइप की बनती है. चाहे अभी हम मेरे दोस्त बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशंस पर जॉब कर रहे होंगे, बट जैसा मैंने उनको देखा है तो उसके हिसाब से वो दोस्ती बहुत गहरी है. यहाँ पे भी दोस्ती हो जाती है, इतनी मुश्किल नहीं होती, बट मे बी बिकॉज ऑफ कोरोना जब मैं यहाँ पे आया तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई मुझे दूसरे लोगों से, तो एक रिस्ट्रिक्शन मुझे लगा. जो लोग मुझसे सिर्फ डॉम्स में मिले बस उनसे ही मेरा ज़्यादा इंट्रैक्शन हो पाया. एक दूसरी कंट्री में इंट्रैक्ट करना थोड़ा हार्ड है, या तो आप एक पार्टी लवर हो तब आपको ज़्यादा इंट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज़ थोड़ी वो गहराई वाली इंट्रैक्शन आपको कम ही मिलेगा. मैं ये नहीं बोल रहा कि मिलेगा नहीं, बट कम ही हो पाता है. एक चीज़ जो मैंने फील की है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं IIT हैदराबाद के बाद मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में भी एज अ रिसर्च असिस्टेंट जॉब किया है, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी मास्टर्स और बैचलर स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था. तो उसको भी कंसिडर करके मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंडिया और एशिया इन जनरल, आई थिंक वहाँ पे पढ़ाई का थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है अपनी एशियन कम्युनिटी में, लाइक चाइना में भी थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, बट यहाँ पे वो स्ट्रेस कम है क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं लगे रहना है. और इवन यहाँ पे क्या होता है कि लोग गैप ईयर लेते हैं या तो गैप सेमेस्टर लेते हैं कि नहीं अभी ज़्यादा हो गया, अभी हम कुछ और करेंगे, और ऐसा कर पाते हैं क्योंकि फॉर अ कंपनी जब आप जॉब करने जाओगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गैप सेमेस्टर क्यों था या फिर आपके मास्टर्स या बैचलर्स के बाद गैप ईयर क्यों था. आप उसमें कुछ भी बोल दोगे कि जैसे यहाँ पे लोग करते हैं कि मैं एक लैंग्वेज सीख रहा था, मैं बैकपैकिंग करने गया, मैं पेरेंट्स की हेल्प कर रहा था, तो कंपनीज़ को भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि इंडिया में शायद पड़ेगा, जो कि बहुत गलत चीज़ है. तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा चिल सीन है, थोड़ा रिलैक्स रहता है यहाँ पे मास्टर्स करना. तो अगर मैं एग्ज़ाम्स को कंपेयर करूँ तो जो मैंने पाया है, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कि यहाँ के एग्ज़ाम्स IIT से ईजी हैं, इनफैक्ट काफ़ी ईजी लगते हैं मुझे तो. बट मैं ये बोल नहीं सकता कि ऐसा क्यों लगता है मुझे, हो सकता है, मुझे नहीं पता कि क्यों लगता है, हो सकता है मैंने थोड़ा अभी एक्सपीरियंस गेन कर लिया इस फील्ड में. मैं इससे पहले सिंगापुर में जॉब करता था इन द रिलेटिव फील्ड, या तो हो सकता है कि IIT जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के, उसकी वजह से ही मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरे बेसिक नॉलेज है, उन्होंने उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा वो 4 सालों में, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत कुछ समझने में काफ़ी ईजी होता है. तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो. तो अगर मैं कंपेयर करूँ रेपुटेशन का, TU9 का जर्मनी में और IITs का इंडिया में, तो IITs का तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में नहीं, वो अब तो बहुत ग्लोबली ज़्यादा फेमस हो चुके हैं. काइंड ऑफ सेम सिचुएशन है TU9 की, जर्मनी में बहुत ज़्यादा फेमस है, बट यहाँ पे IITs के लेवल की नहीं है, मतलब उनकी वो जितने फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी मानी जाती है, और बच्चों का पैकेज और ये सब बहुत इंडिया में डिफ़ाइन होता है कि IITs के हैं तो इतना पैकेज मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं. इवन मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो जैसे इंडिया में प्लेसमेंट होती है कि IITs की मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्लेसमेंट सेशन होता है, उसमें कंपनीज आती है एंड ऑफ द सेमेस्टर और बच्चों को उठा के बच्चों को प्लेस करती है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको खुद की मेहनत करनी होती है और कंपनीज ढूंढनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ अपने से मैनेज करने पड़ते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट होता है. और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो समहाउ जर्मनी सेम है, फाइनेंशियल मतलब कि कितना आपको खर्चा हो रहा है आपका मास्टर्स करने के लिए, काइंड ऑफ सिमिलर है, क्योंकि जर्मनी में आपको पता होगा कि TU9 में तो एक्सेप्ट एक स्टेट है बाडेन-वुर्टेनबर्ग, उसको छोड़ के कहीं पे भी ट्यूशन फीस नहीं लगती है, तो जो भी खर्चा होता है वो आपके रहने का होता है, अगर आप उसको मिनिमाइज़ कर सको तो आप बहुत ही आराम से रह सकते हो. तो फाइनेंशियली इतना डिफरेंस नहीं है इंडिया से,
और उल्टा यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आप यहाँ पे इतने तरीके के पार्ट टाइम कर सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के बाहर, तो काइंड ऑफ बेटर है इंडिया से। लाइक अगर आप सोचो, जब मैं इंडिया में था, मतलब इतना टाइम रहता था कुछ इतना टाइम इन द सेंस, जब आप स्टूडेंट नहीं रहते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि स्टूडेंट लाइफ कितनी बेटर थी, तो उसी वे में मैं बोल रहा हूँ। और अगर उसी में आपको किसी भी टाइम का पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जिसमें आप 10-15 हज़ार रुपये कमा लो, तो कितना सही होगा। और वही होता है यहाँ पे, तो काइंड ऑफ वो स्ट्रेसफुल भी हो सकता है, बट उससे आपको पैसे मिलते हैं, तो एटलीस्ट एक दिमाग में रहता है कि हम कमा रहे हैं और अपना मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो कंसिडर कर रहे हैं TU9 यूनिवर्सिटी में आने का, या तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आने का जर्मनी में, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करो कि आप एक राइट माइंडसेट में हो, कि आप रेडी हो कि आप खुद से चीज़ें मैनेज करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वीज़ा। अगर वीज़ा की भी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, यहाँ पे आपको रहने का खुद से देखना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं पढ़ाई के अलावा। फिर एकेडमिकली भी फिर आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, थीसिस कब स्टार्ट करनी है, इंटर्नशिप कब करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कब करना है, फिर जॉब्स तुम्हें खुद को देखनी पड़ती है। तो अगर आप जर्मनी में आ रहे हैं तो आपका एक राइट माइंडसेट होना चाहिए, बी प्रिपेयर टू टैकल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और मैं डरा नहीं रहा, बट इट्स फन एक्चुअली ये सब चीज़ें मैनेज करने में, और मज़ा तो आता है। यूरोप में रहते हो तो अलग लाइफस्टाइल है, अच्छा लगता है यहाँ पे। तो एक TU9 का पार्ट है TU Dresden, और अगर आप पीछे मेरे देख सको, इधर लिखा है स्टूडेंट इन वोनहाइम, मतलब डॉम एरिया है। ये एक बिल्डिंग है, उधर बिल्डिंग है, और मैं डार्मस्टाट कार्लसरुहे, मतलब TU डार्मस्टाट और KIT के कैंपस के डॉम्स देख चुका हूँ, बट यार यहाँ वाले तो काफ़ी ज़्यादा नीट और सही लग रहे हैं, बट अभी तक मैंने सिर्फ बाहर से देखा है, तो मुझे पता नहीं कि अंदर से कैसे होंगे, बट बाहर से तो बिल्डिंग्स काफ़ी सही लग रही है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है TU Dresden की फिज़िक्स डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट। यहीं पे आसपास सारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स है। जर्मनी में इन जनरल क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ का कोई एंट्रेंस और एग्जिट गेट नहीं होता जैसे इंडिया में होता है, और ऐसी ट्रैफिक चलता रहता है, कभी कोई बिल्डिंग इस साइड होती है, कोई उस साइड होती है, तो कुछ सब कुछ बिखरा बिखरा होता है, इवन एक जगह पे भी नहीं होती का, इसकी बहुत सारी प्लेसेस पे क्यूमुलेटिव डिपार्टमेंट्स होंगे, उनमें से एक ये है। आई थिंक अगर आप देखो तो ये यहाँ का बिब्लियोथेक भी है मेरे ख्याल से, मतलब कि यहाँ की लाइब्रेरी। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी बहुत ज़्यादा है, देखने में आपको लग रहा होगा कितनी शाम हो गई है, बट आप देखो तो सिर्फ 5:15 बजे हैं शाम के। सो या दिस इज़ विंटर इन जर्मनी। तो मैं यहाँ खड़ा था, ये TU Dresden की कोई बिल्डिंग है जिस मुझे पता नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट है, और इसके सामने ऐसा बूथ है, ऐसे बूथ मैंने काफ़ी देखे हैं। और जर्मनी में क्या रहता है ना, बुक्स ऐसी जगह से आप बुक्स ले सकते हो, तो आप बस इसको खोलो, आपको जो भी बुक्स दिखे, जो आपको अच्छी लगे, आप यहाँ से उठा सकते हो, जैसे मैंने ये बुक उठा ली। बट ऑब्वियसली आपको सिर्फ बुक्स उठानी नहीं होती, अगर आप चाहो, ये बुक शेयरिंग की एक जगह है, तो जो बुक आपको पसंद थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आप रख भी सकते हो। तो ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार अब मैं बोलना चाहता हूँ अलविदा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करे, और ऐसे ही मैं अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा यहाँ पे जर्मनी में रहते हुए। होपफुली जब मेरी मास्टर्स के बाद जॉब लग जाएगी, वो भी एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूँगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और फॉलो कीजिए बाकी वीडियोज़ के लिए।